धर्म क्या, धर्म क्या, ये गोल्डन तो कब से सिक्योरिटी के पास था यार, क्या बोल रहा यार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप सभी की बहुत डिमांड थी कि भाई वाइट जैक के ऊपर वीडियो लाओ, तो मैं फाइनली वाइट जैक के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेके आ चुका हूँ। पूरी वीडियो देखना और वीडियो के साथ मैं जो बोल रहा हूँ उसे भी ध्यान से सुनना, ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे। देखो, पहली टिप्स या एडवाइस मेरी यही है कि भाई आपको पहली मीटिंग टाइम आपको सर्वाइव करना है, ठीक है, जिंदा रहना है, आपको कोई टास्क नहीं करना है, आपको सेफ जगह भाग जाना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ना शुरू में पता नहीं है कि कौन सेफ है और कौन अनसेफ है, आपको किसी के रोल भी पता नहीं होंगे गेम स्टार्टिंग में, तो इसीलिए आपको सिर्फ सर्वाइव करना है। जैसे ही मीटिंग हो जाती है तो मीटिंग में आपको ना सेफ प्लेयर के रोल पता चल जाएंगे, तो आप उसके साथ जाइएगा, या तो फिर जिसके पास मेडबे स्कैन है तो आप उसके साथ जाइएगा, क्योंकि वो प्लेयर भी सेफ ही होते हैं। तो आप इन लोगों के साथ घूम सकते हैं तो आप जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे तो ही आप गेस कर पाएंगे मीटिंग में, वरना आपकी गेम ओवर। दूसरी टिप है ना, अपना बंदों को ऑब्जर्व कीजिएगा, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रख के ऑब्जर्व कीजिएगा, ताकि वो आपको मार ना दे, और देखिएगा कि वो सही में मिशन कर रहा है या फिर फेक एक्टिंग कर रहा है मिशन करने की। बंदों को ऑब्जर्व करना है ना, तो सबसे बेस्ट है सीसीटीवी रूम में चला जाइए, वहाँ पे आपको चार कैमरे में आप सब कुछ दिख सकते हैं कि बंदे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा इमोट कर रहा है, कौन वेंट कर रहा है। लाइट ऑफ होगी तो भी आपको क्लीन दिखेगा, तो बेस्ट है आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो सीसीटीवी रूम में चले जाइए, वहाँ से आपको सब दिखता है, ठीक है। अभी अभी आपने कैमराज में देखा कि नेविगेशन के साइड ब्राउन अचानक से गायब हो गया, तो अब जो तीसरी टिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको ना सभी इम्पोस्टर के रोल के बारे में पता होना चाहिए, प्लस उसकी एबिलिटीज क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सही गेस कर सकते हैं, वरना आप रॉन्ग गेस करोगे तो खुद ही आप मीटिंग में मर जाओगे। तो इसीलिए आपको सभी इम्पोस्टर के रोल प्लस उसकी एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई सेक्शन पे मेरी वीडियो है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, मैंने वहां से अच्छे से एक्सप्लेन किया है सभी इम्पोस्टर के रोल की और उसकी एबिलिटी के बारे में। देखो, अब अचानक से गायब तो सिर्फ दो ही इम्पोस्टर हो सकते हैं, एक होता है निंजा और दूसरा होता है कमेलियन। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जब निंजा गायब होता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है, लेकिन जो कमेलियन गायब होता है ना तो धुआं वाली इफेक्ट होकर गायब होता है। और अगर आपका दिमाग ज्यादा नहीं चलता तो आप ना पहले रोल चेक कीजिएगा कि कौन से इम्पोस्टर आए हैं, तो आपको गेस करने में आसानी होगी। तो अभी मैं कैमरा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा फोर्थ कैमरा है जो नेविगेशन वाला, उसे आप ध्यान से देखेगा, तो यहाँ पे ब्राउन आया और धुआं वाले इफेक्ट से गायब हो गया। तो यहाँ पे गेम में चमेलियन और नॉर्मल इम्पोस्टर आए हैं, तो ब्राउन 100% चमेलियन ही है, तो अब हम ब्राउन के थोड़े मजे लेंगे। यहाँ पे चमेलियन गेस करके बूम गाइस, ब्राउन को निकाल लिया गेम से बाहर। तो चलो, अब ग्लूटोनी को कैसे गेस कर सकते हैं, तो आप सीसीटीवी भी देख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले दो कैमरे हैं उसमें कोई भी प्लेयर आपके पास आता है ना तो वहाँ से तुरंत निकल जाइएगा, क्योंकि वो अगर शायद इम्पोस्टर भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल रोल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन मेरी तरफ आ रहा था तो मैं वहाँ से भाग गया, फिर मैंने देखा कि ग्रीन रिएक्टर के साइड था तो मैं चेक करने के लिए गया, तो पूरी गेम में यहाँ पे कोई मिशन नहीं होता, तो ये यहाँ पे ग्रीन फेक एक्टिंग कर रहा है मिशन करने की। और अभी आपको जो साउंड सुनाई देगा उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रीन का रोल क्या है। तो अभी आपने सुना वो ग्लूटोनी खाने वाला इमोट जो था ना, वो सुनाई दे रहा था, मतलब ग्रीन ने किसी को खा लिया था, तो यहाँ पे ग्रीन ग्लूटोनी ही होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन को ग्लूटोनी मार्क कर लिया, ताकि मीटिंग खत्म होने के बाद मैं उसे गेस कर लूँ। तो अब गेस का टाइम आ चुका है, यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक किया, ग्लूटोनी पे क्लिक किया और बूम गाइस, ग्लूटोनी गया। तो ऐसे करके आप ग्लूटोनी को गेस कर सकते हो, या फिर जो बंदा ज्यादा से ज्यादा इमोट कर रहा होगा वही ग्लूटोनी होगा। तो चलो, अब आर्सन इसको कैसे पकड़ सकते हैं, तो कोई बंदा आपके पास 5 या 6 सेकंड से ज्यादा टर्न नहीं रुकता और आपके साथ थोड़ा चिपक के रहता है, तो समझ लेना कि वो आर्सोनिस्ट ही होगा, या तो फिर आप उसकी मूवमेंट से भी पकड़ सकते हो, या फिर आप मीटिंग में भी पूछ सकते हैं कि ये बंदा आपके पास आया था। तो यहाँ पे आपने ब्राउन की मूवमेंट देखी, पूरी आर्सोनिस्ट जैसे ही थी, तो यहाँ पे मैं पूरा कॉन्फिडेंस और श्योर था कि ब्राउन ही आर्सोनिस्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे गेस पे क्लिक किया, ब्राउन पे क्लिक किया और फटाक से आर्सोनिस्ट करके ब्राउन को निकाल दिया। देखो, अब कॉन्फिडेंस की बात आ ही गई है, तो हमारी अगली टिप है कि आप गेस करो तो कॉन्फिडेंस से गेस कीजिएगा, दूसरे जो बोलेंगे उस पर यकीन मत करो, आप अपने कॉन्फिडेंस पे गेस कीजिएगा,
क्योंकि दूसरे लोग ना आपको कंफ्यूज कर देंगे। आपने सही सोचा होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो जो बोलेंगे ना, तो आप उसका यकीन करके आप उसके दम पे गेस करने जाएंगे तो आप ना मर जाएंगे। तो मेरे साथ 2-3 बार ये गेम में हो चुका है। जब मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा था, तब 2-3 गेम में ना बंदे मेरे को लास्ट मोमेंट पे बोलकर मेरे को गलत गेस करवा दिया था। मैंने सही सोचा हुआ था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने कॉन्फिडेंस पे गेस कीजिएगा, क्योंकि आप वाइजैक बने हैं, ना कि वो बना है। तो चलो आज की वीडियो की अब लास्ट टिप्स है, लेकिन उसके लिए आपको मैं जो भी वीडियो दिखा रहा हूँ वो आपको ध्यान से समझना होगा। फिलहाल हमारे गेम में अभी टोटल 13 इम्पोस्टर है, तो उन्हें मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से सेट होंगे, जैसे ही आप लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो इम्पोस्टर काफ़ी खतरनाक होते जाएंगे और वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं सभी इम्पोस्टर के नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, तो ये नंबर को आपको याद रखना है अपने दिमाग में। जितना बड़ा नंबर वो इम्पोस्टर उतना ही खतरनाक और वो मिलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इम्प्रेस का नंबर 13 है, यानी इम्प्रेस मिलना बहुत मुश्किल होता है, और कंजूरर का नंबर 1 है, यानी कंजूरर सबसे आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात और आपको याद रखनी है कि ये जो 4 इम्पोस्टर है वो 1 से लेके 10 सुपर पास होगा उन लोगों को मिलेगा। फिर ये 4 इम्पोस्टर जो है वो 10 से 20 का सुपर पास जिसका होगा उसको मिलेगा, और जो लास्ट इम्पोस्टर है वो 20 से 50 या 50+ RP वाले को इम्पोस्टर मिलेंगे। तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपको ये दोनों बातें आपको याद रखनी है अपने दिमाग में। तो चलो अब ये ट्रिक कैसे वर्क करेगी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रोल चेक करेंगे तो बाउंटी हंटर और फ्लैश बैंग आए हैं। तो ऑब्वियसली बाउंटी हंटर जिसका रॉयल पास ज़्यादा होगा उन लोगों को बाउंटी हंटर मिलेगा, और जिसका रॉयल पास कम होगा उसे फ्लैश बैंग मिलेगा। तो यहाँ पे ना ग्रीन को डॉक्टर ने रिवाइव दिया था, तो ग्रीन ने बोला कि सियान और गोल्डन दोनों इम्पोस्टर है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सियान और गोल्डन में से सबसे ज़्यादा RP गोल्डन की है और सबसे कम RP यहाँ पे सियान की है। तो यहाँ पे गोल्डन बाउंटी हंटर होगा और सियान हमारा फ्लैश बैंग होगा। तो देखो, आप सबसे पहले बाउंटी हंटर को ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रीन रिवाइव हुआ था तो ग्रीन ने बोला था कि उसको सियान ने मारा था। तो यहाँ पे गोल्डन का तो पता नहीं, लेकिन सियान तो 100% इम्पोस्टर था ही। तो यहाँ पे मैंने सियान को फ्लैश बैंग गेस करके गेम में से निकाल दिया। तो यहाँ पे और एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो कन्फर्म है उसे गेस कीजिएगा। और यहाँ पे सियान की RP देखेंगे तो 15 RP है, और यहाँ पे मेरी लिस्ट चेक करेंगे तो 10 से 20 में यहाँ पे फ्लैश बैंग आता है, तो सियान फ्लैश बैंग ही होगा। तो चलो मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। तो यहाँ पे रोल देखिएगा, डिमेंटर और कंजूरर आया है। तो डिमेंटर मिलना मुश्किल है कंपेयर टू कंजूरर। मेरे को इतना मालूम था कि ब्लू तो एक इम्पोस्टर है, दूसरा पिंक और येलो में से उसका पार्टनर होगा, और तीनों के RP चेक करें तो ब्लू की RP सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ब्लू डिमेंटर होगा और पिंक और येलो में से एक कंजूरर होगा। तो यहाँ पे ब्लू को थोड़ा लॉबी का रास्ता दिखा दिया मैंने। तो ये ट्रिक अब आपको कैसे यूज़ करनी है वो समझ में आ गया होगा, 99% ये ट्रिक वर्क करेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करो अपने सुपरस्टार दोस्तों को ताकि उन्हें भी पता चले, और चैनल पर जितने भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे डाल लीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny imposter.